हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान के पेठे। इसके लिए हमें चाहिएंगे 2 कप्स लेवल्ड मैदा, 1/4 कप ऑयल, कुछ पानी आटा गूंदने के लिए, ये ल्यूकवार्म वाटर है, हल्का गर्म। मैंने मैदा में तेल डाला है और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से अपने हाथों से पूरा मिक्स कर लेंगे। और आपको ये नोटिस करना है कि आपके आटे में जो है ऐसे करके मुट्ठी बन रही है। अगर ये मुट्ठी बन रही है तो तेल सफिशिएंट है, नहीं तो थोड़ा और तेल डलेगा। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और फिर आटा से टाइट, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, वैसे हमें इसे गूंद लेना है टाइट आटा। ये देखिए, ये हमारा मैदा तैयार है। इसे हमें रोटी का आटा गूंदते हैं उससे टाइट गूंदना है, पूड़ी की तरह। और अब हम इसके छोटे छोटे इस तरह से 3 भाग इसे बांट देंगे और इसे बेल लेंगे। ये देखने हमने एक लोई ले ली है और अब हम इसे बेल लेंगे राउंड। ये देखिए, हमने इस थिकनेस के करीब 1/2 इंच की थिकनेस है, इतना हमने इसे मोटा रखा है। और अब हम इसे स्ट्रेट स्ट्रेट पेठे वाले शेप में काट लेंगे। इसे हमें करीब 2 इंच की लेंथ में, इसे पहले हमें इसे साइड्स को प्लेन कर लेना है। ये हम दोबारा यूज़ में ले लेंगे। अब हमें इसे 2 इंच की लेंथ में कट करना है। ये भी हमारा आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। तो इतना हम पोर्शन दोबारा हमारा हम बेल लेंगे। ये लीजिए, अब ये पेठे जो हैं हमारे तैयार हैं तलने के लिए। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें अपने पेठों को डालेंगे। डालते ही ये अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, हमने इस कलर के ऐसे रखे हैं, समझिए लाइट ब्राउन कलर के हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब ये तैयार है चीनी की चाशनी में जाने के लिए। ये देखिए, हमने अपने पेठे तल लिए थे और अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमने कढ़ाई में 1/2 किलो चीनी में 1.5 कप पानी डाले हैं। ये देखिए, ये रहा। और अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और उसे स्टिर करते हुए गाढ़ी होने तक पकाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं और हमारा गैस भी तेज था और हम बीच बीच में इसे चलाते भी रहे। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में हो गया, एकदम झाग झाग ऊपर आ रहे हैं। अब हम गैस बंद कर लेंगे। ये देखिए, पूरे झाग झाग ऊपर आ रहे हैं पूरा, और ये बहुत हैवी हो गया है, चीनी की चाशनी बहुत हैवी हो गई है हमारी। इस टाइम हम इसे अब पेठे में चाशनी चढ़ा देंगे। ये देखिए, ये हमने चाशनी लगाया है पेठे पर और ये देखिए, इस पर एकदम चिपक गई है, शाइन आ गया पेठे में। जब इस कंसिस्टेंसी की हो जाए तो हमने जो पेठे तले थे उनको ठंडा कर लिया है और अब हम इसे इसमें सारा डाल देंगे, डाल के इसे हम चलाएंगे। ये देखिए, चलाते चलाते पेठों का कलर वाइट हो गया है, चीनी सूख गया इसके ऊपर।
और अब हम इन्हें अपने कंटेनर में निकाल के स्टोर कर सकते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें ढक्कन दे के स्टोर कर लीजिए। ये लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म पेठा। इसे आप चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे स्टोर करके भी रख सकते हैं और खा सकते हैं।